हाँ तो भाई कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। गाइस ये देखो प्लेन, प्लेन ही देखो भाई, कुछ और मत देखो। गाइस पिछली वीडियो में यार आप लोगों ने हद कर दी भाई साहब। पता है ये वाला जो चश्मा मैंने पहन के रखा है ये थोड़ा सा उल्टा लगा हुआ था और आप में से काफी लोगों को पता ही नहीं चल पाया। वैसे पता तो मेरे को भी नहीं था लेकिन 5-6 बंदों ने कॉमेंट किया। वो कॉमेंट पढ़ने के बाद मैं भाई साहब देख रहा था और बैठ कर हंस रहा था कि भाई मेरे को भी नहीं पता और ये बंदे भाई साहब कॉमेंट कर रहे हैं। जिन लोगों ने भाई कॉमेंट किया मान गया उन लोगों को, भाई क्या ही नजर है यार आप लोगों की। चलो गाइस ये सब छोड़ते हैं और अभी आप लोग ये मत पूछना भाई तबीयत कैसी है, पहले बताया तुम। तबीयत मेरी भाई साहब पहले से बहुत ही अच्छी हो चुकी है, तो आप लोगों की दुआ लग रही है इसलिए तुम्हारा भाई ये जल्दी ठीक हो रहा है। और आज की वीडियो होने वाली है हमारे CWL के Day 2 के ऊपर और उसी के साथ आज की वीडियो में हम लोग दो रिजल्ट देखने वाले हैं, एक तो पिछली वाली वॉर का और एक करंट में जो वॉर चल रही है इसका रिजल्ट मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में दिखाने वाला हूं। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। भाई साहब आप लोग बिना सब्सक्राइब करे क्यों देखते हो वीडियो, सब्सक्राइब ठोको गाइस, सब्सक्राइब करो क्योंकि 85 यार सब्सक्राइबर्स हम लोग को बहुत जल्द कंप्लीट करने हैं यार। अगर आप लोग नहीं करोगे तो भाई कैसे होंगे यार, आप लोग खुद सोचो। तो इसलिए भाई ईमानदारी से सब्सक्राइब मार लेना। गाइस पहली वॉर का रिजल्ट आप लोग के सामने, हम लोग भाई साहब पहली वॉर यहाँ पर हार गए, हमारी साइड से एक बंदे ने भाई अटैक ही मिस कर दिया। तो गाइस अभी करंट वॉर की अगर हम लोग बात करें ना तो हमारे 8 में 16 हुए हैं, एक भी ट्रिपल अभी तक नहीं लगा है। फिलहाल देखते हैं मेरा अटैक ट्रिपल होगा या फिर नहीं होगा। भाई मेरे को तो मारना पड़ेगा ट्रिपल क्योंकि भाई साहब एक भी ट्रिपल नहीं आया अभी तक। चलो भाई देखते हैं, वैसे मैं इलेक्ट्रो के साथ अटैक कर रहा हूँ, शायद हो भी जाए। फिलहाल यहाँ पर अच्छे से करना पड़ेगा ये अटैक, काफ़ी सीरियस अटैक करूँगा। और अगर 3 स्टार हो जाता है ना तो भाई लाइक बटन तोड़ देना, समझ रहे हो, रुकना नहीं चाहिए, फिर लाइक बढ़ते रहना चाहिए बैक टू बैक। चलो अभी देखते हैं, एंट्री काफ़ी अच्छी हो गई है, इलेक्ट्रो ड्रैगन बिल्कुल सही घुस चुके हैं बेस में, अभी देखते हैं क्या रहता है। चलो भाई इसको मैंने फ्रीज किया क्योंकि वार्डन प्लेटफॉर्म और रॉयल चैंपियन दो चीज़ एक साथ जम रही थी वहाँ। फिलहाल बिलिम्प टाउन हॉल तक पहुँच जाए, बस पहुँच जाएगी शायद, रेस डाल दिया मैंने। ओ भाई टोर्नाडो फ्रीज, भाई फ्रीज, एक फ्रीज और लगेगा भाई क्योंकि बलून्स गिर रहे हैं अपने। भाई ये इलेक्ट्रो ही लगा लेगा अभी से, निकाल दिया, नाइस भाई, किंग तो मर लिया अपना। यहाँ पे भाई आरसी आएगी अपनी, आरसी ही डालनी पड़ेगी अब क्योंकि क्वीन को अगर बैकअप देना है तो वो दे पाएगी रॉयल चैंपियन। चलो देखते हैं अभी क्या रहता है, एक पॉइजन स्पेल था यार वो भी मैंने यूज़ कर दिया अर्ली, होल्ड करना था क्या पता नहीं, चलो अभी पता लग जाएगा होल्ड करना था या नहीं। लगभग मेरे को तो लग रहा है कि बेस कवर हो जाएगा, ये एक्सबॉय वाली निकल जाएगी ना, ईजली हो जाएगा ये। लेकिन लास्ट में ना भाई साहब एक कैनन रखी है और एक कैनन पहले रखी है, लेकिन अपने क्वीन भी है ना एबिलिटी के साथ है ना क्वीन गाइस। ओ भाई साहब पॉइजन टावर का खड़ा, पॉइजन टावर खड़ा हो रहा था लेकिन हमारे रॉयल चैंपियन ने उसे खड़ा नहीं होने दिया, बिठा दिया उसे वापस। चलो फिलहाल यहाँ पर ये तो लग रहा है गाइस निकल गया, क्वीन के पास एबिलिटी है, चलो देख लेते हैं। चलो गाइस ये यहाँ पर हमारे क्वीन ने कर दिया इस बेस का काम। और आप लोगों क्या काम करना है, आप लोगों को लाइक बटन दबाना है तो दबा देना सारे बंदे ईमानदारी से, और सब्सक्राइब बटन भी दबा देना यार साथ में, बड़ी खुशी होगी मेरे को। फिलहाल यहाँ पर गाइज हमारा स्कोर देखा जाए ना तो 9 में 19 हो गया फिलहाल हमारा। तो गाइज यहाँ पर तैयब भाई आ चुके हैं, देख लेते हैं भाई इनके अटैक को, तैयब भाई क्या कर पाते हैं। फिलहाल कर रहे हैं यहाँ पर ये जेप क्वीन चार्ज लावा लून, ओके चलो फिलहाल देखते हैं रहता क्या है, 3 स्टार मार पाएंगे या फिर नहीं मार पाएंगे तैयब भाई। ओ स्कैटर शॉट एक्सबो बॉम टावर जेप कर दिया भाई साहब, एक कैनन भी मिल गई साथ में, नाइस। चलो अभी देखते हैं इनका आगे का प्लान क्या है, इन्होंने 600 क्लॉक पर FF डाल के छोड़ दिया है ठीक है, लेकिन उधर एक मोटर रखी है भाई वो मारेगी FF को, बट देखते हैं उसके लिए कुछ तो प्लान किया होगा। इन्होंने एक बारबेरियन लेके रखा है तो शायद उससे डाउन कर देंगे उस मोटर को, जब वो उसकी रेंज में आएगा ना FF तो वहाँ पर बारबेरियन डालेंगे, फिर वो मोटर टारगेट करेगी बारबेरियन को। चलो अभी देखते हैं, फिलहाल हीलर्स आ गई क्वीन के ऊपर एंड इनका जो किंग है इसको ये लाना चाहते हैं नीचे, टेस्ला फार्म है यार पूरा, किंग तो इधर भाई साहब निकल लेगा पहले ही, क्वीन पे डैमेज आया बट इतना डैमेज नहीं है कि एबिलिटी यूज़ हो। फिलहाल
फिलहाल रॉयल चैंपियन भी साथ में डाल दी और भाई साहब मोटर ने एफएफ को ओपन ही कर दिया यहाँ पर, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। फिलहाल भाई इनके एफएफ के साथ ना इनको मल्टी इन्फर्नो मिला नहीं, ये वाला सिक्स वाला मल्टी एफएफ के साथ लेना चाहते थे, बट कोई नहीं अभी देखते हैं क्या रहता है। कोइन के ऊपर रेज डाल दिया है, आरसी की एबिलिटी यूज़ हो गई एंड यहाँ पर भाई साहब वो हेरेंटर डालने रॉयल चैंपियन के लिए। चलो रॉयल चैंपियन तो डाउन हो जाएगी यहाँ पर, अभी क्वीन डील करेगी यहाँ पर सीसी के साथ, ठीक है। एंड टाउन हॉल तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल है यार, क्वीन के लिए काफ़ी मुश्किल है भाई टाउन हॉल तक पहुँचना। फिलहाल रॉयल चैंपियन ने यहाँ पर मल्टी इन्फर्नो को डाउन कर दिया एंड वार्डन के साथ यहाँ पर लावलून आ गया टीएस से, अगेन फ्रीज किया है क्योंकि वहाँ पर इनवी टावर रखा है। एंड यहाँ पर भाई साहब वार्डन एबिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी इनको, वरना सारे बलून्स इनके गिर जाएंगे। चलो भाई यूज़ कर लिया, नाइस। एंड नीचे से भाई क्वीन आ रही है, ऊपर से लावलून आ रहा है, बट लावलून कहीं ना कहीं वीक पड़ेगा क्योंकि स्पेल है ही नहीं और हीलर्स जा चुकी हैं, तो क्वीन में कुछ नहीं उखाड़ पाएगी अब तो। फिलहाल इनके बलून्स धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं यहाँ पर, मेरे को नहीं लग रहा कि ये थ्री स्टार हो पाएगा, किसी एंगल से थ्री स्टार नहीं लग रहा मेरे को यार। वो एफएफ के साथ मल्टी इन्फर्नो ले लेते ना ज़्यादा सही रहता, फिर उसके बाद शायद आरसी कहीं और डाल सकते थे, बट कोई नहीं ध्यान नहीं दिया। एंड यहाँ पर देखते हैं भाई कितना परसेंट इनको मिलने वाला है टोटल। तैयब भाई को यहाँ पर टोटल मिला 90%। अगर स्कोर की हम लोग बात करें तो स्कोर हमारा भाई 10 में 21 है, ओनली मैंने 3 स्टार किया है अभी। चलो भाई यहाँ पर ड्रैगो आ चुका है अटैक करने के लिए, ड्रैगो का अटैक देख लेते हैं भाई। ये कर रहा है यहाँ पर बिलियार्ड लावलून, और ये बिलियार्ड लावलून ही करता है भाई साहब। इलेक्ट्रो टाइटन है यहाँ पर, इसको बुला लो साइड में, और बिलिम तो बिल्कुल यार चिपका दी टाउन हॉल से भाई, मर ना जाए इनके सुपर विजाड़ियाँ। ये लो मर गए ना, टाउन हॉल के फटते ही मर गए क्योंकि चिपका दी ना बिल्कुल बिलिम, स्पेस ही नहीं था वहाँ पे ज़्यादा, डैमेज आना ही था टाउन हॉल का। अभी देखते हैं क्या करते हैं आगे। दो स्नीक डाले यहाँ पर स्टोरेज डाउन करने के लिए, किंग डाल दिया और पॉइजन तो भाई ये लाते नहीं है, इलेक्ट्रो टाइटन ही लाते हैं सीसी मारने के लिए। चलो ये भी सही है, अभी किंग एंड क्वीन को डायरेक्ट यहाँ से अंदर घुसाना चाहते हैं। चलो देखते हैं कितनी वैल्यू निकाल पाते हैं हीरोज़ के साथ। सिंगल इन्फर्नो को इन्होंने फ्रीज किया क्योंकि उसने किंग को पकड़ लिया था। एंड यहाँ से आ गया वॉल ब्रेक तो अंदर जा रहा है भाई, इधर क्वीन के लिए वॉल ब्रेक ये वाला हो जाएगा शायद, ये हो गया ठीक है। क्वीन इधर से भाई स्कैटर ले लेगी और बाकी भाई लावलून किधर से करेगा ये बंदा, लावलून कहाँ से आएगा अभी देख लेते हैं साथ में। चलो भाई साहब दो लावा हैं इसके पास, और चलो लावलून आ गया इधर से, नाइस। चलो 26 बलून के साथ लावलून किया इसने। चलो भाई अभी यहाँ पर हेरेंटर के पास, हेरेंटर ने डाल दिए, आरसी भी डाल दिए यहाँ पर भाई साहब। वार्डनेबिलिटी अर्ली कुछ ज़्यादा ही अर्ली यूज़ कर लिया मेरे को ऐसा लग रहा है। हेरेंटर भाई आरसी के लिए तो बचा ही नहीं है, आगे आरसी भी है, आरसी तक पहुँच भी पाएंगे? नहीं भाई वो तो किंग पर ही मर गए यार। भाई साहब आरसी को कैसे मारेंगे, आरसी को मार रही है ठीक है, लेकिन यार आगे भाई साहब कितना डैमेज है यार यहाँ पर। एक फ्रीज है, एक एनवी है, बट नहीं लग रहा मेरे को होगा, देख लेते हैं फिर भी मुश्किल लग रहा है भाई, काफ़ी मुश्किल है यार, क्योंकि बिलियार्ड में तो कुछ मिला ही नहीं इनको टाउन हॉल के अलावा। टाउन हॉल मिला और सीसी लियर हुआ, बस इतना हुआ, उसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं भाई। ये तो फेल लग रहा है मेरे को, फेल है इजी अटैक, फेल हो गया ये। 68% हुआ है, शायद 69 करना नहीं चाहता ये बंदा, बट कोई नहीं। ड्रैगो कर रहा है यहाँ पर अपना सेकंड अटैक, चलो भाई इसका देख लेते हैं दूसरा अटैक। पहला वाला अटैक तो भाई फेल ही हो गया था, तो इसमें देखते हैं भाई इसमें क्या कर पाता है ये बंदा। इस बार तो भाई जंप भी लिया है इसने, ओके लावलून में भाई साहब जंप, वो भी बिलियार्ड लावलून के अंदर, ठीक है। हीरोज को घुसाना चाहेगा बीच में, इसलिए तो जंप लिया है। चलो देख लेते हैं भाई क्या प्लान है बंदे का। यहाँ से कुछ बलून्स दिए, ऊपर से लावा दिया, ये वाले एयर डिफेंस पर इनवी डाल दिया, लावा आगे भाग गया, यहाँ से बिलिंप आ गई। आई थिंक इधर नहीं भेजना चाहता था, लावा को भेजना चाहता था ये दूसरे वाले एयर डिफेंस के ऊपर, और वो लावा आ गया दूसरे एयर डिफेंस पर, लेकिन फिर भी उस बंदे ने बिलिंप वहीं से डाला जहाँ से उसको डालना था, और वो किस्मत अच्छी थी कि बिलिंप फंसी नहीं इसकी। चलो भाई सही है। एंड अभी देखते हैं भाई इधर क्या रहता है, वैल्यू तो इसको मिल गई है बिलिंप यार, बीच में खोलता दोनों इन्फर्नो मिल जाते हैं वैसे, बट कोई नहीं एक इन्फर्नो से ही काम चला लेंगे अभी। चलो भाई यहाँ पर भाई साहब क्वीन को डाल दिया इन्होंने, क्वीन हीरोस को भाई देखो टाउन हॉल तक पुश करना पड़ेगा यहाँ पर। एंड अगर हीरोस चले आते हैं ना टाउन हॉल तक
तो फिर लग रहा है मेरे को कि शायद ये बेस्ट ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू मिल गई यार, अच्छी वैल्यू मिल गई है। देखो ईगल भी डाउन हो गई पहले, एंड एक इन्फर्नो मिल गया भाई इनको पहले ही, ठीक है। मतलब लगभग लगभग देखा जाए ना तो तीन कंपार्टमेंट पहले ही कवर हो चुके हैं, तीन नहीं ढाई, ढाई बोलेंगे इसको हम, है ना। दो कंपार्टमेंट पूरे और एक बड़ा वाला कंपार्टमेंट है वो आधा खाली हुआ है, ठीक है। अभी देखते हैं रहता क्या है, हीरो सुई का प्लान क्या है बंदे का, वो थोड़ा समझ लेते हैं। जंप स्पेल डाल दिया यहाँ पर, नाइस। चलो भाई जंप की मदद से हीरोज अंदर जाने वाले हैं यहाँ से, ओके। एंड आरसी भी दे दिया साथ में, आरसी इधर से दे दिया, ओ वार्डन भी दे दिया, नाइस। चलो भाई किंग नीचे आ गया यार, किंग को भी ऊपर जाना चाहिए था, किंग नीचे आ गया, बट कोई नहीं। एक रेज डाल दिया हीरो सुई के लिए, ओके। एंड वार्डन की एबिलिटी यूज़ कर दी भाई, भाई वार्डन एबिलिटी भी यूज़ करी, एंड फिर उसको जमा भी दिया, टाउन हॉल को भी जमाया क्योंकि वहाँ पर इनवे टावर था इसलिए। लेकिन यार सिंगल को गलत जमाया यार इन्होंने। चलो भाई यहाँ पर अभी ऊपर से लावलून चालू कर दिया इन्होंने, एंड देख लेते हैं भाई क्या रहता है। फिलहाल भाई इनके पास ना 16 बलून्स है, बलून्स तो काफ़ी हैं, लेकिन ये जो मल्टी है ना कोर वाला भाई साहब, ये बहुत दिक्कत देगा, क्योंकि यार एक भी फ्रिज स्पेल नहीं है इनके पास। अगर फ्रिज स्पेल होती या हैस्ट होती है ना, तो चांस रहता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट अभी नहीं, अभी वो मल्टी टच भी नहीं करने देगा बलून्स को, समझ रहे हो, दूर से दूर मार देगा उनको। देखो भाई फेल हो गया ये, मतलब प्लान तो अच्छा अच्छा था बंदे का। आई थिंक बिलिम बीच में खोलता ना दोनों इन्फर्नो मिल जाते, फिर बिना स्पेल के भी ट्रिपल हो जाता ये बेस, फिर स्पेल चाहिए ही नहीं होती इसको आगे। चलो भाई फिलहाल अटैक काफ़ी अच्छा था, प्लान काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इसको। ये आ गया 90%, ठीक है, नाइस। चलो यहाँ पर वी आर वॉल्फ अटैक कर रहा है, इसके अटैक को देख लेते हैं, शायद यही मार दे ट्रिपल। और ये बेस है यार, ये बेस तो मैंने देखा है गाइस, कहीं ना कहीं तो देखा है ये बेस मैंने भाई, कहाँ देखा है, टूर्नामेंट के अंदर देखा है या CWL के अंदर देखा है, अभी हाल फिलहाल में ये बेस मैंने देखा था, मतलब ऐसे ही एक महीने के अंदर अंदर ये बेस मैंने कहीं तो देखा है। चलो ध्यान नहीं आ रहा लेकिन देखा ज़रूर है। ब्लिम्प भाई इसकी पता नहीं यार, यहीं पहुंचाना चाहता था या टाउन हॉल तक पहुंचा रहा था, नो आइडिया, लेकिन पहुंची नहीं टाउन हॉल तक। अगर इसको पीछे ही बिलिम खोलनी होती तो इतनी आगे थोड़े लेके जाता था, टाउन हॉल के लिए ही लेके जा रहा था, लेकिन पहुंच नहीं पाई है शायद, बट कोई नहीं, देखते हैं दोनों इन्फर्नो मिल जाए, इन्फर्नो शायद इसको मिल जाएंगे दोनों मेरे ख्याल से, तो चलो देख लेते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर भाई साहब वैल्यू तो मिल गई अच्छी खासी, लेकिन ये बंदा टाउन हॉल भी लेना चाहता था, टाउन हॉल ले नहीं पाया है, ओके। चलो भाई कम वैल्यू में काम चला ले यार, इतनी मिल गई, अभी टाउन हॉल भी लेना चाह रहा था तू, मतलब बिलिम के साथ ही 3 स्टार मार देगा क्या। चलो लालून इसने चालू कर दिया, दो साइड से लालून चालू कराए दोनों स्कैटर शॉट कंपार्टमेंट को कवर करने के लिए। अरे इस टाइप का अटैक यार CWL में देखा था हमने, पिछली वाली CWL के अंदर देखा था गाइस, आप में से पता नहीं कुछ लोगों को याद होगा भी या नहीं होगा, नो आइडिया, मेरे को भी अभी याद आया। और शायद अटैक भी इसी बंदे ने अटैक करा था इस बेस पर, अब मेरे को ध्यान आ रहा है, सेम बेस के ऊपर सेम प्लान के साथ कर रहा है आज ये। चलो भाई उस दिन तो ट्रिपल मिला था इसको, आज देखते हैं भाई क्या होता है। भाई तीन आइस गोलम आ गए CC के अंदर से, भाई साहब इधर से रॉयल चैम्पियन क्यों डाल दी, रॉयल चैम्पियन इधर से मत डालते यार, किंग क्वीन के साथ टाउन हॉल खा लेते, ऊपर से रॉयल चैम्पियन डाल देते बाद में यार, बट कोई नहीं अभी देखते हैं यार क्या रहता है। फिलहाल रॉयल चैम्पियन की एबिलिटी यूज़ कर ली, सिंगल धर ले, सिंगल को नहीं धर पाए भाई, सिंगल ने धर लिया रॉयल चैम्पियन को। चलो अभी देखते हैं भाई, क्वीन आ गई है, बट क्वीन के ऊपर डैमेज आ रहा है टाउन हॉल का काफ़ी, भाई साहब ले ले क्वीन ले ले जल्द जल्दी भाई ले ले डिफेंसेस को ले ले यहाँ से, क्या कर रही है, एक्सबो डाउन कर, ओ भाई साहब हेल्थ देखो क्वीन की भाई, विजार्ड टावर भाई चुम्मी मत ले लियो इसकी, मर जाएगी ये, बहुत कम हेल्थ है इसकी। चलो अभी बच गई फिलहाल भाई, अब तो हील हो गई है, अब तो ये कह रही है मैं नहीं रुकूंगी किसी से भी, अब तो मैं 3 स्टार लेके जाऊंगी ऐसा लग रहा है मेरे को भाई। देखते हैं विजार्ड टावर एक कैनन है बस, और देखो भाई हील तो हो गई है क्वीन,
कोइन तो ले जाएगी अब ऐसा लग रहा है, लेकिन टाइम 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 कम है गाइस, टाइम काफी कम है भाई। भाई हो जा, 3 हो जा, हो जा, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1। ओ भाई साहब, 0 सेकंड पर हिट कर दिया कोइन ने, क्या ही 3 स्टार हुआ ये वाला भाई साहब, मजा आ गया यार। स्कोर की अगर बात करें, 14 अटैक्स में 30 स्टार हो चुके हैं गाइज हमारे। तो गाइज ये रहा रिजल्ट आप लोगों के सामने, हम लोगों ने भाई साहब 15 अटैक के अंदर 32 स्टार्स करें, और फिलहाल हम लोग ये वाली वॉर भी हार चुके हैं। जैसे कि पहली वॉर हारी वैसी हम लोगों ने हार ली इधर सेकंड वॉर। लगता है पिछली बार हम लोगों ने जीतने वाला रिकॉर्ड बनाया था, इस बार हम लोग हारने वाला रिकॉर्ड बनाने वाले, बट कोई नहीं, वॉर हारने के साथ हम लोगों को अपनी उम्मीद नहीं हारनी, हम लोगों को फाइट करते रहना है। अभी पता है हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी देखो भाई साहब, अपनी रैंक की तो लग गई है ना, बड़ी वाली लग गई, लेकिन अभी जो इधर टॉप क्लैंस खेल रहे हैं ये देखो, काफी सारे क्लैंस हैं जो तगड़ा स्कोर इधर कर रहे हैं। ये वाला ये देखो, ये भाई साहब 37 34, ठीक है, एक ये वाला क्लैन है 39 36। अभी इनके साथ अपनी वॉर लगेगी ना, तो भाई साहब इनकी स्कोरिंग हम लोग खराब करेंगे, ठीक है। हमारी स्कोरिंग खराब हुई, अब बारी है हमारी दूसरे बंदों की स्कोरिंग खराब करने का। काफी मजा आने वाला है अगली वॉर्स के अंदर, क्योंकि काफी तगड़े क्लैंस के सामने खेलने वाले। तो अभी के लिए रखते हैं बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो भाई लाइक ठोकना, अगर चैनल पर पहली बार थे तो भाई सब्सक्राइब बटन को भी ठोक देना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड लव यू।